हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी मेरे चैनल द रियल स्टडी कलम में। दोस्तों, जैसा कि सभी बच्चों को पता है, अभी सिक्स सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है बीकॉम प्रोग्राम, और बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। अब कई सारे बच्चों के रिजल्ट में दिक्कत देखने को मिली है, बहुत सारे बच्चों को एबसेंट दे दिया गया है, और ऑफलाइन एग्ज़ाम में एबसेंट का केस होना नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम में बच्चों को एबसेंट दे दिया गया है, और कई सारे बच्चों को तो फेल भी कर दिया गया है। फेल का समझ में आता है कि हाँ, बच्चे की कॉपी चेक हुई है और उसे फेल कर दिया गया है नंबर कम होने की वजह से, बट एब्सेंट का सीन समझ में नहीं आता है कि बच्चों को एब्सेंट क्यों दिया गया है। जब ऑफलाइन एग्जाम दिए हैं बच्चे ने और वहां पे अटेंडेंस ली है टीचर ने, तो एब्सेंट का कोई केस बनना नहीं चाहिए। तो इसको लेके एबीपी की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया था कल, मतलब एक छोटा सा हंगामा किया गया था एसओएल में, जिससे कि जो भी दिक्कत है बच्चों के रिजल्ट में वो ठीक हो सके, चाहे एब्सेंट हो चाहे फेल हो। तो एब्सेंट वाले बच्चों को इन्होंने बताया है कि आपको एसओएल जाके एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा जिनके भी रिजल्ट में एब्सेंट है। इस चीज़ का ध्यान रखना, जो भी बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चे हैं जिनके भी रिजल्ट में एब्सेंट है, आपको एसओएल जाके एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा और वो एक हफ्ते के अंदर ठीक हो जाएगा, ये बोला गया है एसओएल की तरफ से। और जिन बच्चों को फेल दिया गया है तो उनको रिवैल्यूएशन फॉर्म फिल करना होगा और 1000 रुपये फीस लगेगी। अगर वो बच्चा उस सब्जेक्ट में पास है तो बताया गया है कि वो 1000 रुपये वापस कर दिए जाएंगे, रिटर्न कर दिए जाएंगे। अब पता नहीं दोस्तों ये रिटर्न होंगे या नहीं होंगे, ये बोला गया है। तो 1000 रुपये आपको रिवैल्यूएशन के लिए देने होंगे, नहीं तो अदरवाइज आपको नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना होगा। और जिनकी एब्सेंट है उनको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और एक हफ्ते में वो ठीक होके आ जाएगा रिजल्ट, तो ये बताया गया है। और आप लोग एक बार सुन भी लो कि क्या कल प्रोटेस्ट हुआ है और क्या बोला गया है एसओएल की तरफ से, तो एक बार मैं आपको सुना भी देता हूँ कि क्या क्या प्रोटेस्ट हुआ और क्या क्या बोला गया है एसओएल। अभी तक जो आवाज एसओएल प्रशासन के अधिकारियों के कानों में नहीं जा रही थी, लेकिन आज आपके जज्बे के सामने वो हमसे बातचीत करने पे मजबूर हुए हैं। अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक डेलीगेशन अंदर जाएगा और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को छात्र जो समस्याओं का सामना कर रहा है, जो परेशानियों का सामना कर रहा है, उससे अवगत करवाएगा। और मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि हमारी छात्र हित से जुड़ी हुई सारी मांगे आज एसओएल प्रशासन के अधिकारी मानेंगे, अन्यथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता वो रौद्र रूप दिखाएगा जो यहाँ में एसी में बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने जिंदगी में नहीं देखा। छात्रों के सम्मान में, छात्रों के सम्मान में, मेमोरेंडम अपने 5 पॉइंट लिख के दिए थे। मेमोरेंडम में जो पहला मेजर प्रॉब्लम था स्टूडेंट वो भी एब्सेंट जो थे, पेपर देने के बाद भी बच्चों को जो एब्सेंट किया जा रहा है, तो एसओएल प्रशासन ने इसके लिए बोला हमसे कि ऐसा बहुत ही कम चांसेस हुआ है, बट हमारे पास ऑलरेडी डाटा है कि नंबर ऑफ थाउजेंड स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पेपर देने के बाद भी एब्सेंट हो रहे हैं। तो इसके लिए एसओएल प्रशासन ने 2 चीज़ करी है, एक तो वो अपने मैसेज और ईमेल के जरिए उन स्टूडेंट को आज शाम से मैसेज और वो करना प्रोवाइड करवा देंगे वो लोग, ठीक है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोली कि आप एसओएल की लाइब्रेरी में आइए, वहाँ पर अपनी जो एब्सेंट वाली है उसका एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए और वहाँ पर डिटेल भरिए। ये डिटेल भरने के बाद अगर जेन्युइन, आपको किसी भी सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है, आपको अटेंडेंस लाने की जरूरत नहीं है, ये एग्जामिनेशन ब्रांच खुद ही कंडक्ट कर लेगा। जब हम एक पूरा डाटा पर इसके लिए डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, तो कृपया जिसके भी एब्सेंट है एब्सेंट वाले एसओएल आए, अपनी एप्लीकेशन लिख कर दें और वो डिटेल को फिल करें, उसके बाद ही इसके ऊपर ये एसओएल प्रशासन वहाँ ले जाएगी ड्यूल यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन ब्रांच में, फिर वो वहाँ से वो ठीक हो जाएगा। वो एक हफ्ते के अंदर एब्सेंट वाले बच्चों का इस हफ्ते के अंदर सबके लगभग ठीक हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट जिसको 0 नंबर, यहाँ पे एक बात ये समझने की है कि वो 0 नंबर नहीं है, वो क्रेडिट पॉइंट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब मार्कशीट में क्रेडिट पॉइंट का हिसाब चलता है, ना कि नंबरों का। तो ऐसा हुआ है कि अगर आपके 36 नंबर है, ठीक है, ए बी सी डी ऐसे 1, 2, 3, 4 के क्रेडिट पॉइंट होते हैं, ठीक है, अगर आप एफ के पोजीशन में आ गए हो तो वो 0 है, वो क्रेडिट पॉइंट है, वो नंबर नहीं है आपके। नंबर आपके ये भी हो सकते हैं कि आपके 39 भी आए हो, 15, 16 नंबर भी आए हो, वो एक क्रेडिट पॉइंट के हिसाब से नंबर है,
तो इस चीज का आप लोग बिल्कुल ध्यान दें कि जो आपके जो जीरो नंबर वो जीरो नंबर नहीं है वो क्रेडिट पॉइंट है। तो क्या आप जो सुधार होगा तो उसमें स्टूडेंट्स के एक्चुअल नंबर आ जाएंगे? नहीं, एक्चुअल नंबर नहीं आएंगे, नहीं एक्चुअल नंबर नहीं आ सकते, क्योंकि वो क्रेडिट पॉइंट है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी करती है, तो ऐसा नहीं आएगा कि उसके पूरा एक्चुअल जो उनके नंबर है नंबर शो नहीं होता, क्योंकि क्रेडिट पॉइंट के हिसाब से चलता है। तो उसके लिए दो ऑप्शन दिए उन्होंने, एक रिवैल्यूएशन करो, ठीक है रिवैल्यूएशन डालो, पर बच्चे ये डरे हुए हैं कि उनके जब जीरो नंबर सो रहे हैं तो वो रिवॉल्यूशन करके तो क्या कौन सा पास कर देंगे? ऐसा कुछ नहीं है, आपके हो सकते हैं आपके 35 नंबर भी आए हो, 36 नंबर भी आए हो, क्या आपका क्या पता आपका पेपर गलत भी चेक हुआ हो। तो एक बार आप आए रिवॉल्यूशन का फॉर्म भरे, अगर आप उस सब्जेक्ट में पास हैं तो आपकी जो 1000 रुपये पर सब्जेक्ट रिवॉल्यूशन की जो फीस है वो भी ये लोग रिफंड कर देंगे। तो सुन लिया होगा आप सभी ने, अब कमेंट आने लगेंगे कि सर बीए प्रोग्राम का रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा सिक्स सेमेस्टर का। तो कमेंट देखने को मिल रहे हैं, सर बीए प्रोग्राम का रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा। उससे पहले मैं आप सभी को एक बात बता दूं, जब भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो अगर आपको एबसेंट और फेल दिया जाता है, ठीक है, रिजल्ट में अगर आपके एबसेंट दे दिया जाए या फेल दे दिया जाए तो आपको भी यही काम करना है, आपको भी SOL जाना होगा, ठीक है। जिनके रिजल्ट में एबसेंट है उन बच्चों को SOL जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, और जिनको फेल दिया गया है अगर वो रिवॉल्यूशन कराते हैं तो रिवॉल्यूशन करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा, काफ़ी सारे बच्चे वेट कर रहे हैं। अब दोस्तों एग्जामिनेशन की तरफ से तो यही बोला गया है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन ब्रांच है, डीन ऑफ एग्जामिनेशन ने बोला था, और उस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया भी था कि वो बोल रहे हैं कि जल्दी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब दोस्तों डीन ऑफ एग्जामिनेशन की तरफ से यही बोला गया है कि रिजल्ट प्रोसेस में है, जल्दी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब कब डिक्लेयर होगा कोई कंफर्म डेट नहीं है, और इसको लेके हम भी दोस्तों कोई कंफर्म डेट नहीं बता सकते हैं कि कब डिक्लेयर किया जाएगा, बट प्रोसेस में बता रखा है। अब जब भी डिक्लेयर होगा आपको वीडियो के द्वारा पहले इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो अब भी आप लोग वेट कर लीजिए, तो क्या पता आज मैं वीडियो बना रहा हूँ आज भी डिक्लेयर हो जाए, कल भी डिक्लेयर हो सकता है या परसों भी डिक्लेयर हो सकता है, बट जब भी आपका रिजल्ट आएगा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अभी ये डीन ऑफ एग्जामिनेशन ने ही बोला है कि प्रोसेस में है, तो वेट कर लीजिए, जैसे डिक्लेयर होता है आपको प्रोवाइड करवाता हूँ इन्फॉर्मेशन।